के साथ शिखर संयुक्त अरब अमीरात के साथ अमीरात का नृत्य करते हैं और ऐसा इसलिए किया गया ताकि यूएई को धन्यवाद किया जा सके और एक ही अच्छा जेस्चर यहाँ पर बीएपीएस संस्था के द्वारा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंदिर परिसर में मौजूद है और मंदिर परिसर में इस पूरे पूजा समारोह के बाद वो लोगों को संबोधित भी करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें मैं आपको अपने कैमरे से भी दिखा देता हूं जहां पर ये वो तमाम आपको है। तो ये आम लोग, लेकिन ये इतने खास है, इनके हाथों से ये मंदिर पूरा बनकर तैयार हुआ है। अब आप देखिए ये भजन यहाँ पर शुरू हो चुका है, तालियों की गड़गड़ाहट आपको सुनाई देगी और इसी के साथ ये पूरा उद्घाटन समारोह संपन्न होने वाला है और स्वामी नारायण जी की प्रार्थना यहाँ पर इस वक्त चल रही है, आप इसे सुन सकते हैं। अबू धाबी के हिंदू मंदिर में तमाम लोग आपको दिखाई देंगे, ये सीधी तस्वीरें आप देखिए इस प्रार्थना में शामिल होते हुए। सर्वेषां आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष धन प्राप्त्यर्थं अक्षर पुरुषोत्तम महाराजः श्री राधा सहितः भगवान् श्री कृष्णः पद्मावती सहितः भगवान् श्री निवासः श्री सुभद्रा बलभद्र सहितः भगवान् श्री जगन्नाथः धर्मशास्त्रा श्री अय्यप्पा स्वामी श्री गणेश कार्तिकेय पार्वती सहितो भगवान श्री शंकरः श्री हनुमान लक्ष्मण सीता सहितः भगवान श्री रामचंद्रः संकल्प सिद्धि मूर्ति गुरुवर्य शास्त्री जी महाराज गुरुवर्य प्रमुख स्वामी महाराजौ इति भगवत स्वरूपाणां अर्चन वंदन पूजनाख्यं कर्म सहं करिष्ये। वैदिक संकल्प के बाद अब वैश्विक तो पूरे जो अनुष्ठान है विधि विधान से वो सभी किए जा रहे हैं परंपरागत तरीके से। उनके मस्तक पर प्रधानमंत्री मोदी के तिलक लगाया गया, कलावा बांधा गया कलाई में और उसके बाद जो तमाम पूजा की प्रक्रिया है, अनुष्ठान है, विधि विधान के साथ उद्घाटन की सभी प्रक्रियाएं प्रधानमंत्री पूरा कर रहे हैं। अधिक मंदिरों में एक साथ आती होगी और विश्व में फैले लाखों सत्संग योगी अपने घर मंदिर में इसी क्षण आरती की जोत प्रज्वलित करके अबू धाबी में विराजमान अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की आरती में सम्मिलित होंगे। तो आइए वैश्विक आरती में हम सब सम्मिलित हुए। श्री स्वामी नारायण भगवान की जय। I
अंदाजा लगाइए कि जिस समय परंपरागत समय पर भारत में हमारे देश में जिस समय सभी मंदिरों में आरती की जाती है उसी समय आरती का समय रखा गया है और आज से जितने भी भारतीय वहां रहते हैं भारतीय समुदाय हिंदू जो जितने भी निवासी हैं यूएई में उनके लिए एक नया आस्था का केंद्र खोल दिया गया है। अब जितने भी वहां पर भारतीय समुदाय से जुड़े लोग रहते हैं वो भी इस मंदिर में आकर पूजा अर्चना कर सकेंगे। तो पूरे परंपरागत तरीके से विधि विधान से अनुष्ठान के साथ इस मंदिर का विधि विधान तरीके से उद्घाटन कर दिया गया है। ये वो खूबसूरत भव्य हिंदू मंदिर है जो पहला मंदिर है यूएई का जिसका उद्घाटन अभी से थोड़ी देर पहले हो चुका है। श्री पद्मावती श्रीनिवास भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री उमापति शंकर भगवान की जय। स्वामी श्री अय्यप्पा महाराज की जय। श्री गुणाधिकानंद स्वामी महाराज की जय। श्री भगत जी महाराज की जय। श्री शास्त्री जी महाराज की जय। श्री योगी जी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी महाराज की जय। तो ये विशाल स्वामी नारायण मंदिर जो बनकर तैयार हुआ है अब उसका उद्घाटन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भारत के प्राचीन मंदिर निर्माण शैली नागर शैली में ये बेहद शानदार तरीके से बना है और उसका खूबसूरत उदाहरण है ये। ये मंदिर अबू धाबी का पहला हिंदू मंदिर होगा। अबू धाबी के अबू मरिका जिले में ये BAPF संस्था की तरफ से बनाया गया है और जब 2015 में नरेंद्र मोदी यहाँ आए थे तब यूएई सरकार की तरफ से यहाँ की जो जमीन है वो दान में दी गई जिसकी सराहना प्रधानमंत्री मोदी ने की कि उनकी पहल के बिना उनके सहयोग के बिना ये संभव ही नहीं था और अब दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों की एक उदाहरण के तौर पर एक बांगी बनी है ये तस्वीर। और ये मंदिर तो 27 एकड़ जमीन पर बना है जिसमें 13.5 एकड़ पर ये खूबसूरत मंदिर का निर्माण किया गया है और जैसे काशी के घाट है बिल्कुल उसी तर्ज पर खूबसूरत घाट बनाए गए हैं। बड़े बड़े कंटेनर्स में गंगा यमुना और सरस्वती का जो पानी है वो जो जल है वो भर कर वहां ले जाया गया था पहुंचाया गया था और बिल्कुल संगम की तर्ज पर यहाँ पर भी संगम बनाया गया है। यहाँ पर थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जल अर्पित किया और उसके बाद मंदिर में प्रवेश किया। स्वामी जी महाराज उनके साथ है और भी जो वहाँ के संत है उनके साथ है और पूजा अर्चना पुरुषोत्तम महाराज के समक्ष पधार रहे है और अपनी पुष्पांजलि सनातन मूर्तियों के समक्ष रखकर अभिवंदना करेंगे अपनी प्रार्थना रखेंगे। स्वामी नारायण मंदिर में जो जो विग्रह है वहां पर उनके चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्योंकि अब पूजा संपन्न हो गई है आरती संपन्न हो गई है और उसके बाद स्वामी नारायण जी के चरणों में पुष्प अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करके भक्ति अर्घ्य अर्पण कर रहे हैं। क्यों
ओम श्री स्वामी नारायणाय अक्षर पुरुषोत्तमाय नमः पुष्पांजलिं समर्पयामि। थोड़ी देर पहले ही इस मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो चुका है और उसके बाद पुष्प अर्पित किए उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की स्वामीनारायण जी के चरणों में और उसके बाद ये मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए खुल जाएगा, वो यहाँ पर पूजा अर्चना कर सकेंगे। बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही भव्यता के साथ ये पहला अबू धाबी का मंदिर बनकर अब तैयार है और वहाँ जितने भी भारतीय समुदाय हिंदू निवासी यहाँ रहते हैं उनके लिए आस्था का एक नया केंद्र अबू धाबी में होगा। यूएई में हालांकि पहले से मंदिर है लेकिन अबू धाबी का ये पहला हिंदू मंदिर होगा जो अब आम दर्शनार्थियों के लिए खोल दिया जाएगा। बहुत समय से इंतजार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इस मंदिर का उद्घाटन हो और फिर उसके बाद आम लोग भी दर्शन के लिए आ सके, तो आज प्रधानमंत्री मोदी के हाथों अब इस भव्य मंदिर का उद्घाटन हो चुका है और मंदिर के चारों ओर पवित्र नदी की धाराएं भी बनाई गई है। गंगा नदी के जो है मंदिर के दाहिनी ओर बनाई गई है मंदिर के लोकार्पण सभा और इसके अलावा यमुना नदी मंदिर के बाईं ओर पवित्र नदियों का जल यहां लाया गया है। स्वामी महाराज के 7 बजे का समय वहां पर मंदिर में आरती की गई और अब प्रधानमंत्री मोदी तमाम संतों और स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद देते हुए और जितने भी विधि विधान है उन्होंने पारंपरिक तरीके से उनमें पूरी तरह से वो शामिल हुए और प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन किया जा रहा है क्योंकि अब ये जो कार्य है उद्घाटन से जुड़े अनुष्ठान है वो सभी संपन्न हो चुके हैं और बेहद प्रसन्न मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नजर आ रहे हैं। 2 दिवसीय यात्रा पर वो पहुंचे थे, कल ऐलान मोदी कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की, वहां भारतीय समुदाय के लोगों के उत्साह को देखकर वो बेहद खुश नजर आए और आज मंदिर के उद्घाटन के बाद जब सभी अनुष्ठान विधि विधान से संपन्न हो गए हैं उसके बाद प्रसन्न चित मुद्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ वहां पर स्वामी जी महाराज है, साथ ही जो वहां के साधु संत हैं वो भी उनके साथ इस वक्त मौजूद है। तो अब ये उद्घाटन जो बहुप्रतीक्षित उद्घाटन था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री श्री का तो 2 दिवसीय यात्रा पर अबू धाबी आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया और इसके बाद लोगों ने भी बहुत उत्साह दिखाया जब वो जायद स्टेडियम में संबोधित कर रहे थे और आज का दिन भी ऐतिहासिक है क्योंकि ये भव्य हिंदू मंदिर जो निर्मित किया गया है वहाँ अपनी परंपरा के अनुसार उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी के हाथों अब हो चुका है। अब ये भव्य मंदिर आम दर्शनार्थियों के लिए भी खुल चुका है पुष्पाणि समर्पयामि और इसी के लिए राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को उन्होंने धन्यवाद भी दिया कि उनके सहयोग के बिना ये संभव नहीं था। ये खूबसूरत प्रतिमाएं आप देख सकते हैं, स्वामी नारायण मंदिर अब बनकर तैयार है और विशेष पूजा अर्चना के बाद प्राण प्रतिष्ठा की गई, साथ में अब उद्घाटन भी हो चुका है। आरती के साथ दीप प्रज्वलित करके पुष्पांजलि अर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की और अब सभी जो पूजा कार्य है वो संपन्न हो चुके हैं। ये भी बताया जा रहा है कि हमारे संवाददाता ने जैसे बताया कि थोड़ी देर में वो यहाँ जितने भी भारतीय हैं समुदाय उनको संबोधित भी करने वाले हैं और वो वहाँ उन लोगों से भी मिले हैं जो निर्माण कार्य में लगे हुए जो सांस्कृतिक कार्यों में लगे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले और ये मंदिर परिसर के अंदर गर्व रही तस्वीरें जहाँ आपसे थोड़ी देर पहले उद्घाटन किया सभी विधि विधान से संबंधित अनुष्ठान संपन्न हो चुके हैं। नमामि पीएपीए संस्था के वरिष्ठ संत पूज्य स्वयं प्रकाश दास स्वामी जी पूज्य डॉक्टर स्वामी से माननीय प्रधानमंत्री श्री मिल रहे हैं। मंदिर के कलात्मक स्तंभों का दर्शन, जितने भी स्तंभ बनाए गए हैं खूबसूरत, उन स्तंभ की बारीकी से जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी जा रही है। बीएपीएस संस्था से जुड़े जो संत हैं वो इन बारीकियों को प्रधानमंत्री मोदी को समझा रहे हैं क्योंकि हर एक पर बहुत ही ज्यादा बारीकी नक्काशी की गई है और जो भारतीय नक्काशी है उसी से जुड़े यहाँ पर नक्काशियां देखी जा रही है। शिल्पांकन हुआ है तो कुल 27 एकड़ में